मनोज जी ने एक बहुत बड़ा सवाल हमारे माथे पर छोड़ा है। यह वह सवाल है जिसका उत्तर मिलते ही हमारे सभी बहुजन समस्या का अंत हो जाता है। साथियों, जिस दौर में हम रह रहे हैं वहां कमंडल और भूमंडल, एक नया टर्म है भूमंडलीकरण जिसको कहते हैं, इन दोनों के हमले, चौतरफा हमले हम पर हावी हैं और हम लगातार उनसे जूझ रहे हैं। हमारा बहुजन वर्ग बनता हुआ मध्य वर्ग है, उनका बन चुका है, इसलिए हमारे सामने चुनौतियां काफी बड़ी हैं। सामंजस्य की बात करने से पूर्व या इस सवाल के पहले कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग में सामंजस्य कैसे हो, हमें यह जानना जरूरी है कि सामंजस्य क्यों नहीं है। सामंजस्य क्यों नहीं है, मैं बिल्कुल क्रमवार बिंदुओं में रखूंगा। पहला जो कारण मुझे दिखता है गैर सामंजस्य का, वह श्रेष्ठता बोध से ग्रसित होना। भारत में हर छोटी से छोटी जाति भी अपने से नीचे एक छोटी जाति चुन लेती है ताकि हम उसका शोषण करें, और जब तक यह मानसिक सोच हमारे भीतर है तब तक हम एक नहीं हो सकते। दूसरा है राजनीतिक जागृति का, और राजनीतिक जागृति कहने का अर्थ है कि आपसी तालमेल से हम कैसे राजनीति करें। आप दुश्मन की पहचान कीजिए, आरएसएस, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, हिंदू सेना, ये तमाम संगठन है छोटे छोटे जो एक बड़े संगठन के रूप में मिलकर वोट करता है, साथ मिलकर वोट करता है और बीजेपी को जिताता है। लेकिन हमारे भीतर क्या है बहुजनों में, ये हमारा दल, वो हमारा दल, ये हमारा ग्रुप, वो हमारा ग्रुप, हम उसके कार्यक्रम में कैसे जाएं, इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। जब तक 85% जिसको हम बार बार कहते हैं कि 85% और अगर 5% हम स्वर्ण महिलाओं को भी जोड़ लें, देखिए महिलाओं को जोड़ना इसलिए भी जरूरी है, दलितों में भी अगर सबसे पीड़ित और शोषित है तो वो महिला है, तो ये राजनीतिक सामंजस्य की जरूरत हमारे सामने चुनौती है। अभी उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, दल मिला है, अब देखना यह है कि ग्राउंड लेवल पे दिल कितना मिल पाता है। तीसरी बात है शिक्षा का अभाव, और जिस शिक्षा का अभाव कह रहा हूं उसका अर्थ है शैक्षणिक चेतना। सबसे अधिक गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, या मैं विश्वविद्यालय का व्यक्ति होने के साथ दावे के साथ कह रहा हूं कि जो हमसे अनपढ़ है, हमारे गांव में जो हमारे चाचा है वो लड़ रहे हैं, वो सीधे वीडियो से लड़ रहे हैं, लेकिन हम यहां पर शोध कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बावजूद इसके घर से निकलने में अपनी लड़ाई में शामिल होने से कतराते हैं। आर्थिक समन्वय का अभाव है। इसके साथ साथ देखिए, समय कम है, मैं देख रहा हूं आपको मनोज जी, देखिए एक चीज और है कि वास्तविक दुश्मन की पहचान का संकट हमारे सामने है। हम बहुजनों के सामने चुनौती है कि हम दुश्मन को साफ साफ रेखांकित करें कि हमारा दुश्मन कौन है। जब दर्द एक है, जब शोषण की पूरी प्रक्रिया एक है, तो उसकी दवा भी एक होगी, उसका इलाज भी होगा। दरअसल सामंजस्य तभी स्थापित हो सकता है जब मैं से लेकर हम का सफर हम तय करें। मैं मतलब ग्रुप, दल, स्वार्थ, छोटे छोटे से स्वार्थ, छोटे छोटे ग्रुप, मैं से हम की यात्रा ही सामंजस्य का एकमात्र विकल्प है। इसी के द्वारा, इसी यात्रा से हम
अपनी मंजिल पा सकते हैं। और बहुजन, जिस हम बहुजन श्रेष्ठता की बात करते हैं कि हमारा शासन होगा, चाहे वो राजनीतिक होगा, चाहे वो न्यायपालिका में हमारे लोग होंगे या फिर आर्थिक दुनिया में हमारा वर्चस्व होगा, जो होना भी चाहिए क्योंकि हमारी आबादी सबसे अधिक है। मैं बार बार कहता हूं, कई लोगों ने कहा है कि हम लोग एक साथ मिलकर जाति जनगणना के आंकड़े को प्रकाशित क्यों नहीं करवाने की मांग रखते। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यह साफ करना होगा कि हमें अपने पूरे स्वार्थ को छोड़कर, जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि मैं से हम बनने की प्रक्रिया में ही सामंजस्य स्थापित हो सकता है, और इसके लिए शिक्षा, मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ वक्ताओं ने कहा पहले कि हमारे पास मीडिया नहीं, अपनी मीडिया नहीं, हमें दिखा पाए नहीं, आपके सामने इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। 2 अप्रैल की जो क्रांति हुई या फिर 31 जनवरी को जो रोस्टर के मामले में दिल्ली की धरती पर क्रांति हुई, वो किसी मीडिया ने नहीं किया, सोशल मीडिया ने किया। तो जो भी साधन उपलब्ध है हम उससे लड़ सकते हैं। जब हमारा दर्द एक है तो दवा एक होगा, और इसके लिए हमें एकजुट रहना है। धन्यवाद।